पिछले हफ्ते मथुरा की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि शहर की शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि कृष्ण जन्मभूमि यहां पर है और ये कृष्ण जन्मभूमि पर बनी मस्जिद है। यह आदेश जिला न्यायाधीश राजीव भारती द्वारा पारित किया गया था, जिन्होंने मुकदमे को खारिज करने के एक दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया और कहा कि मुकदमा बहाल रहेगा। हिंदू देवी देवताओं भगवान श्री कृष्ण विराजमान आस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से रंजन अग्निहोत्री द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनके मुकदमे को खारिज करने के लिए अंतिम आदेश को चुनौती दी गई थी। वादी ने अपने मुकदमे दावा किया है कि 13.37 एकड़ जमीन जिस पर मस्जिद खड़ी है कटरा केशव देव मंदिर की जमीन है। इस आधार पर यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। 30 सितंबर 2020 को दीवानी अदालत ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी और मुकदमा खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मथुरा जिला अदालत ने अपील की गई थी, जिसको मंजूर कर लिया गया। अपीलकर्ता ने जोर देकर कहा था कि भगवान कृष्ण के भक्त होने के नाते उन्हें संविधान अनुच्छेद 25 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के ध्यान में रखते हुए मुकदमा दायर करने का अधिकार है। निचली अदालत ने इस आधार पर बात को खारिज कर दिया था कि अगर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो बड़ी संख्या में उपासक अदालत आ जाएंगे। दूसरी ओर से अपील को तर्क दिया गया था कि मुकदमे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अन्य लोग इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पिछली बार कई दिनों से देखा जा रहा है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो शाही मस्जिद हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, हर जगह पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। ताजमहल को तो लेकर अपील खारिज कर दी गई थी। कहा गया था कि पहले जाकर पढ़ाई करके आओ, उसके बाद आना। लगातार ऐसी चीजें आ रही हैं सामने, जहां पर लगातार मस्जिदों को और ऐसे स्थानों को टारगेट किया जा रहा है जो मुगल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, और उनको ये कहकर तोड़ा जा रहा है, ये कहकर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें तामीर की गई हैं, बनाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राजा कृष्णमूर्ति से जब सवाल पूछा गया आरएसएस के ऊपर, तो वो भागते हुए नजर आए। अमेरिकी कांग्रेस के नेता राजा कृष्णमूर्ति भारत में फासीवाद यानी कि आरएसएस पर जो सवाल पूछा गया कि भारतीय मुसलमानों के जो नरसंहार करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, उस पर आरएसएस को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो वो भाग खड़े हुए, कैमरे से बचते नजर आए, सवाल से बचते नजर आए, और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपाना जा रहे थे, इसीलिए वहां से तेजी से भागते हुए नजर आए। ये वही राजा कृष्णमूर्ति हैं जिन्होंने सितंबर 2018 में कहा था कि जब हम अहिंसा को गले लगाते हैं तो हम पहचाने जाते हैं। वो पूर्वग्रह में कोई जगह नहीं बनती, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, ना अमेरिका में, न भारत में, न दुनिया में, कहीं किसी भी जगह, किसी भी देश में, और न ही हिंदू धर्म में। तब ये बात कही गई थी, मगर अब आरएसएस को लेकर जिस तरह की नफरतें फैला रहा है आरएसएस देश के अंदर, उसको सवाल लेकर जब पूछा गया तो वो भागते हुए नजर आ